बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद के नबीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के नबीनगर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मौके पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मौजूद थे। अपने संबोधन में सीएम ने अपने 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जहाँ गिनाया, वहीं खुलकर पति पत्नी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दफा जीत हासिल हो जाने पर 20 शहर से होकर गुजरने वाले इलाकों में बाईपास तथा ओवरब्रिज का निर्माण कराना होगा। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है और खूब प्रचार लेता है, हमको कोई एतराज नहीं। भाई मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लो, हमको क्या दिक्कत है? कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है। लो प्रचार, लेकिन काम करने का कोई अनुभव है? कोई समझ है कि क्या होना चाहिए? कोई कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया जो कभी होना ही नहीं है। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया? अभी तो अंदर भी है, जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे। लेकिन क्या है, कोई काम करता है? सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं।